कराची को महफूज से महफूज तर बनाने का मिशन। शहर में सेफ सिटी के मजीद 18 पोल्स नस्ब, तादाद 61 हो गई। डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज बोले, पारबी क्यू टुनाइट और साउथ सिटी अस्पताल के करीब पोल लगाए। मजार अब्दुल्ला शाह गाजी के अतराफ 2 पोल नस्ब। खैबर होटल बागी जिना कॉर्नर और साइड दुआ चौरंगी पर भी पोल लगाए। बोर्ड बेसन कराची ब्रोस्ट और खतीजा टावर के करीब भी पोल नस्ब किए गए। रिटायर्ड बलदियाती मुलाजमीन की मुश्किल कम ना हो सकी। 7 साल बाद भी वाजिबा की अदायगी का मसला हल ना हुआ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के अहकाम भी नजरअंदाज। सोदा का सदन यूनियन के सरबराह जुल्फिकार शाह के एहतजाज की धमकी, बोले के एनसी काउंसिल इजलास के मौके पर पेंशनर्स एहतजाज कर सकते हैं। वजूहत सिर्फ वो साल के मिले हमें और फंड निकाले थे हमने। अभी 2023 का 6 महीने में रिटायर हो गया हूँ। अभी ऐसे ही बैठे हूँ, अभी ना आगे ना पीछे कोई देने वाला है। एक से दूसरा महीना ही हुआ है। इस सिलसिले में हम मेयर साहब से मिलेंगे भी और तमाम लोगों का मुतालबा भी यही है, मुलाजमीन का भी वही है, रिटायर मुलाजमीन का भी यही है कि उनके वाजिबात जो है वक्त पर अदा किए जाए। लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, महंगाई के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी के कराची में 13 मकाम पर धरने। स्टार गेट, कालापुल, कोरंगी क्रॉसिंग, पावर हाउस चौरंगी, औरंगी टाउन में एहतजाज। बनारस चौरंगी, वाटर पंप, शाहरह पाकिस्तान, हब रिवर रोड पर भी धरना। प्रेस्को चौक, डालबन मॉल और जोहर मॉड पर भी भरपूर एहतजाज। पश्तून कबाइल के मुख्तलिफ शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। सूबाई वजीर सईद अली ने खुश आमदेद कहा, बोले पीपल्स पार्टी गरीबों और किसानों की जमात है, आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। कराची में तमाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। कत्लो गारत गिरी से शहर तरक्की नहीं करेगा। इस मुल्क में अगर कोई एक जमात है जो गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, महकूमों की, मजलूमों की बात करती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम तो बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर में पाकिस्तान के आज के हालात को देखते हुए हम क्योस नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन खुदा के वास्ते उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हमारी गर्दन पर पैर रखकर उसे दबाते चले जाएं। हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? हमारी हुकूमत की मौजूदगी में आप अगर कहेंगे हम 20 सालों के लिए और कोटा सिस्टम लगा रहे, तो लानत भेजता हूं मैं ऐसी एमएनएसशिप के ऊपर जो हमारे पास है, लानत भेजता हूं मैं ऐसी हुकूमत के ऊपर जो हम हुकूमत में है। चंद सेकंड लगेंगे एमएनएसशिप छोड़ने में। एमकेएम ने कौमी असेंबली के इस्तीफों की धमकी दे दी। नून लीग से वादे वफा ना होने के गिले शिकवे। मुताहिदा ने कोटा सिस्टम में तौसी को भी मुस्तरद कर दिया। मुस्तफा कमाल का कहना था कि कोटा सिस्टम से शहर गांव बनते जा रहे हैं। एमकेएम के हॉक्स बे में शजरकारी, मैंग्रोव के पौधे लगाए। फारूक सत्तार का कहना था कि मैंग्रोव कराची को बचाने में बहुत काम आएंगे। साहिल खूबसूरत बनाकर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। दिगर साहिली इलाकों में इस तरह की शजरकारी की जाएगी। कराची के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर अब बकायदा ये शजरकारी की मुहिम शुरू की जा रही है। हम अपने साहिली इलाकों में आ गए, मैंग्रोव शजर यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बकायदा और पहली मरतबा हो रहा है, और ये सिर्फ हॉक्स बे में नहीं बल्कि कराची के और साहिली पट्टियों पर भी इस तरह की शजरकारी की जाएगी। आर्ट्स काउंसिल में सकाफती मेला, रंगारंग तकरीबात, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। गैर मुल्की फनकारों के जलवे निराले। ऑडिटोरियम वन में अनोखा प्ले सजने को तैयार। कराची का बिच्छू थिएटर आज रात 8 बजे पेश किया जाएगा। तजावुजा के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा मुतहारिक। महकमा एंटी इनक्रोचमेंट ने केमाड़ी का रुख कर लिया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इनक्रोचमेंट बोले, जिला शर्की और बस्ती में तजावुजा के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। सुबह रात के वक्त ऑपरेशन जारी है। किसी को भी तजावुजात कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर सकाफत और सियाहत जुल्फिकार अली शाह का जीप रैली कराने का ऐलान। गौरख हिल को स्पोर्ट्स के जरिए फरोग देने पर जोर। बोले 64 बाइकर्स में से 4 खवातीन राइडर्स भी शामिल हैं। सड़कों को भी बेहतर बना रहे हैं। मजारे कायद पर हाजिरी भी दी। हम ये जीप रैली जो है ये भी कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गोरख पे। बेसिकली तो आज जो बाइक रैली होने जा रही है गोरख हिल स्टेशन पे,
तो हम यहाँ से मूव करेंगे गोरख के लिए। आज जो बेसिकली रैली होने जा रही है, आज हमारी जो बाइकर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, उसमें कुछ लेडीज बाइकर्स भी हैं। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख, ताजर रहनुमा अतीक मीर का ताजर 2 स्कीम पर खदशा दूर करने का मुतालबा। बोले ताजर 2 स्कीम से नए लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का फायदा फाइलर को होगा। तौसी करके उन लोगों को फायदा जो फाइलर हैं, बाकी जो नए लोगों को लाना चाह रहे हैं वो तो नहीं आएंगे। और दूसरी बात, अब फाइलर की छेड़छाड़ से गुरेज करें, और आपने जो ये शर्त रखी है कि फाइलर भी इस स्कीम में आना उनके लिए लाजिम है, इस तरह फाइलर भी चला जाएगा। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का सालाना इजलास, अबाक के उदेदार बिला मुकाबला मुंतखिब। हसन बख्शी चेयरमैन, अफजल हमीद सीनियर नायब चेयरमैन मुंतखिब, तारिक अजीज नायब चेयरमैन बन गए। आबाद तंजीम की 9 मुंतखब क्यादत 1 अक्टूबर को अहदे का चार्ज संभालेगी। आगा खान यूनिवर्सिटी के जरिए तमाम साइकिल रैली, 500 से ज्यादा तलबा, डॉक्टर्स और तिबी अमले की शिरकत। रैली का मकसद दिल की बीमारी से बचने के लिए आगाही फराहम करना था। माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर सोलत फातिमे ने दिल की बीमारी से बचाव के लिए वर्जिश को जरूरी करार दिया। हेल्दी खाना खाएं, तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ और बेकरी आइटम्स कम से कम करें, वॉक करें या भागें। रिमेंबर, एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट स्ट्रोलिंग, यानी ऐसे नहीं चल चल के 5 किलोमीटर चलते हैं, तेज चलना है जिससे हार्ट रेट बढ़े।